हे गाइस, वेलकम बैक टू द जुगाड़ू चैनल। आपके सामने एक नया जुगाड़ लेकर आया हूँ मैं। गर्मियाँ आ गई और मेरे टेरेस गार्डन के अंदर कुछ पौधे हैं, ऐसे तो मैं कोई सीजन प्लेयर नहीं हूँ इस गार्डनिंग में। यूट्यूब पर देख देख कर इस तरह के पौधे लेकर आया हूँ, कुछ नर्सरी से, कुछ हमारे बिल्डिंग के गार्डन में से चुरा कर, यू कैन से। तो इस तरह से मैंने ये छोटा सा गार्डन बनाया है। अभी गर्मियों के कारण, जैसे आप देख रहे हो, यहाँ कुछ जो पौधे होते हैं इनको तेज़ धूप नहीं चलती है, तो मेरे पास एक ऑप्शन था। जैसे मैंने YouTube पे सर्च की तो सारे लोग कह रहे थे कि ग्रीन मेश लगाना होता है, जिससे 50% धूप पौधों को मिलती है और वो झुलस भी नहीं जाते। लेकिन कोरोना वायरस के चलते हुए सारी दुकानें भी बंद है और मैं सोच रहा था कि ग्रीन मेश को लगाने के लिए यहाँ पर कुछ दिक्कतें आएंगी, जैसे उसे कहीं ना कहीं बांधना होगा, जो कि मैं नहीं करना चाहता था। सोच रहा था कि क्या ऑप्शन होगा इसका, तो मुझे छाता दिख गया। अभी बरसात भी है नहीं तो मुझे इसकी फ़िलहाल तो ज़रूरत है नहीं, और ये सबसे सस्ता है। मुझे तो कोई पैसे देने थे नहीं, ग्रीन मेश लेकर आता तो आई गेस एटलीस्ट 150 या 200 रुपए तो चले जाते। तो देखिए आपने किस तरह मैंने केबल टाई को इस्तेमाल करके ये छाते को इधर टिका दिया। अभी मेरे बालकनी में तो 1:30 बजे के बाद ही धूप आती है, तो इसे 1:30 बजे मैं खोल देता हूँ बस। हाँ, किसी न किसी को आपको घर में बोलना होगा अगर आपको टाइम नहीं है तो। यहाँ पर 1:30 से 4, 4:30 तक धूप होती है, तो उस वक्त मैं इसे खोल देता हूँ और 4:30 बजे 5 बजे आकर बंद कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं किस तरह केबल टाई की मदद से, और इसका जो हैंडल है वो वुडन था तो इसलिए मैंने उसके ऊपर एक प्लास्टिक भी डाल दिया, तो कभी कभार मैं जो पानी स्प्रे करता हूँ तो उससे वो ख़राब नहीं हो जाए, क्योंकि बरसात में शायद मुझे इसे इस्तेमाल करना पड़े। तो काफ़ी पौधे हैं जो गर्मी में रह सकते, लेकिन ज़्यादा देर तक जो डायरेक्ट सनलाइट उन पर पड़ती है तो उसकी वजह से उनके पत्ते भी ख़राब हो जाते हैं और शायद पौधा पूरा जल जाने का टेंशन भी होता है। तो कुछ पौधे जैसे इधर है जो मैंने डायरेक्ट छतरी के नीचे रखा हुआ है, इनको तो डायरेक्ट सनलाइट चलती ही नहीं है, इनकी हालत ख़राब हो जाती है, तो इनको डायरेक्ट छाते के नीचे रखा हुआ है। तो आई होप ये जुगाड़ आपको पसंद आया होगा, और जैसे गर्मी के बाद जब बारिश का मौसम आएगा तो शायद मुझे ऐसे लगता है कि जो तालपत्री जो हम कहते हैं उसके अलावा मैंने अगर इधर एक और छाता लगा लिया तो उसका भी जुगाड़ हो जाएगा। तो बात की बात बाद में, अभी फ़िलहाल के लिए तो मेरा ये काम हो गया है बिना कोई पैसे लगाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस तरह से आपका भी काम चल जाएगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और जुगाड़ के साथ। यू गाइस टेक केयर, बाय।